नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 फरवरी दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ऑनलाइन फ्रॉड पर शिकंजा कसने को राज्य में इस माह खुलेंगे 44 साइबर थाने। बिहार में पॉलिटेक्निक के छात्रों को एक ही जगह मिलेंगी सारी जानकारी। विपक्षी नेताओं पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी का हमला। इस दिन से शुरू होगी चार धाम की यात्रा। दूसरा दिन रहा ऑस्ट्रेलिया के नाम, लायन ने लिए 5 विकेट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी एमटीएस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी आगे। अगर आप भी एसएससी एमटीएस के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एसएससी एमटीएस परीक्षा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 17 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 कर दी गई है। इसलिए वैसे उम्मीदवार जो अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके पास आवेदन करने का एक और मौका है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर शुल्क जमा करने के लिए लास्ट डेट की बात करें तो शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी तक है और चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2023 तक है। इसके अलावा परीक्षा के लिए करेक्शन विंडो 2 मार्च को खुलेगी और 3 मार्च 2023 को बंद हो जाएगी। बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से 12,000 से ज्यादा पदों को भरे जाएंगे। ऑनलाइन फ्रॉड पर शिकंजा कसने को राज्य में इस माह खुलेंगे 44 साइबर थाने। राज्य में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए उस पर अपना शिकंजा कसने के लिए राज्य में 44 साइबर थाने खोले जा रहे हैं। बता दें कि 44 साइबर थाने राज्य के सभी जिलों में खुलेंगे। मिली जानकारी के अनुसार इन साइबर थानों को लेकर एक सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी की जा सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इन साइबर थानों को 26 व 27 फरवरी को बिहार पुलिस कार्यक्रम में उद्घाटन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में साइबर थानों के खुल जाने से साइबर क्राइम से जुड़ी सारी प्राथमिकी यहां दर्ज की जा सकेंगी। वहीं साइबर मामलों का अनुसंधान भी साइबर थानों के पुलिस के द्वारा ही किया जाएगा, जिसका कमान इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी के पास होगा और मॉनिटरिंग का जिम्मा एसपी के पास होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे निरुपमा पांडे के बारे में। विंग कमांडर निरुपमा पांडे एक भारतीय पर्वतारोही है। वह 25 मई 2011 को 10:15 बजे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बिहार की पहली व्यक्ति है। निरुपमा फ्लाइट लेफ्टिनेंट निवेदिता चौधरी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजिका शर्मा वाली पहली महिला IAF टीम का हिस्सा थी। उनकी अन्य चढ़ाई में लेह में माउंट स्टोक कांगरी 6121 मीटर और माउंट गोलब कांगरी 6100 मीटर, गढ़वाल में माउंट कामेट 7757 मीटर और माउंट अभिगैमन 7357 मीटर और लद्दाख में माउंट सेशर कांगरी आई 7672 मीटर, माउंट त्रिशूल 7120 मीटर, गढ़वाल और माउंट मनरिंग 6593 मीटर हिमाचल क्षेत्र शामिल है। अगस्त 2011 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए पटना में स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे को सम्मानित किया। उन्हें बिहार सरकार द्वारा अति विशिष्ट खेल सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस दिन से शुरू होगी चार धाम की यात्रा। अगर आपके मन में भी इच्छा है कि आप चार धाम घूमें तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस बार यह चार धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 22 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की गई है। इसके साथ ही बाबा केदारनाथ रवाना को लेकर भी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 21 अप्रैल को बाबा की सवारी केदार धाम के लिए स्थान करेगी और रात्रि विश्राम डोली गुप्तकोशी में की जाएगी। वहीं 22 को सवारी फाटा पहुंचेगी, 23 को गौरी कुंड और 24 को शाम तक सवारी केदारनाथ पहुंच जाएगी और फिर 25 अप्रैल को केदारनाथ का कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम का कपाट 27 अप्रैल को खोला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड चार धाम यात्रा 6 महीने तक चलेगी। बिहार के 15 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद शुरू। रेल मंत्रालय के द्वारा यात्रियों को विशेष सुविधा उपलब्ध करवाया जा सके, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर राज्य के 15 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बता दें कि जिन स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाना है उसमें पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, जमुई, लखीसराय, बाढ़, बख्तियारपुर, झाझा, क्यूल समेत 15 स्टेशन के नाम शामिल है। इस जीर्णोद्धार के तहत रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर चमचमाती बेंच, लिफ्ट, एस्केलेटर,
चेयर, रिटायरिंग रूम, वेटिंग हॉल समेत कई सुविधाएं उपलब्ध यात्रियों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी स्टेशनों पर वित्तीय वर्ष में यात्री सुविधाओं के लिए काम कराए जाएंगे। वहीं अगर जानकारों की माने तो सबसे पहले अप्रैल महीने में यात्री लोड के हिसाब से सर्वे कराया जाएगा और फिर टेंडर जारी किया जाएगा। बिहार में पॉलिटेक्निक के छात्रों को एक ही जगह मिलेगी सारी जानकारी। बिहार में पॉलिटेक्निक के छात्रों को एक ही जगह सारी जानकारी मिल सके, इसके लिए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैट बॉट का निर्माण किया है। इससे अब छात्र पॉलिटेक्निक विषय परीक्षा, रजिस्ट्रेशन, प्रवेश परीक्षा व अन्य सभी जानकारियां हासिल कर सकेंगे। इसके लिए बस छात्रों को अपना सवाल टाइप करना होगा और उसका जवाब उन्हें मिल जाएगा। जानकारी के बता दें कि इसका उद्घाटन विभागीय मंत्री सुमित कुमार सिंह, सचिव लोकेश कुमार सिंह, निदेशक वैभव चौधरी और राज्य प्रावैधिकी शिक्षा परिषद के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा किया गया है। बता दें कि राज्य प्रावैधिकी शिक्षा परिषद के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह चैटबॉट स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स और आम लोगों के लिए भी काफी सुलभ है। सरकार जल जमीन के खरीदारों और विक्रेताओं को देगी बड़ी सुविधा। जमीन की रजिस्ट्री और कागजात के वेरिफिकेशन में आने वाली परेशानी को जल्द दूर किया जा सके, इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा जरूरी कदम उठाए गए हैं। बता दें कि पिछले काफी समय से निबंधन कार्यालय में दशकों से संरक्षित कर रखे गए रजिस्ट्री दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन में दिक्कत आ रही थी, जिसको दूर करने के लिए अब विभाग की ओर से जिलों को उर्दू पर्यवेक्षक व अनुवादक को रखने की छूट दे दी गई है, क्योंकि जिन भाषाओं में पुराने दस्तावेज लिखे गए थे उस भाषा के जानकार को ढूंढना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद विभाग की ओर से यह निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि उर्दू में स्नातक डिग्री धारकों को अनुवादक जबकि मास्टर की डिग्री धारकों को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही इन सभी पुराने दस्तावेजों को स्कैनिंग कर वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा रहा है, ताकि वर्षों बाद भी लोग दस्तावेज को आसानी से देख सकें। बिहार पुलिस ने किया 800 पुलिसकर्मी का तबादला। जिला में बेहतर कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा 800 पुलिसकर्मियों को अलग अलग जोन में तबादला कर दिया गया है। बता दें कि सभी 800 पुलिसकर्मी वही पुलिसकर्मी हैं जो पिछले कई सालों से एक ही थाने में रहकर ड्यूटी कर रहे थे। इससे पहले भी कई बार इन पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया था, लेकिन रसूख और पहुंच के चलते वो उसी थाने में रहते थे, जिसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय के द्वारा बड़ा उलटफेर कर इन पुलिसकर्मियों को अलग अलग जोन में तैनात कर दिया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस बड़े तबादले से माफियाओं का गठजोड़ टूटेगा और साथ ही इन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी पर भी नजर रखी जा सकेगी। लोकसभा 2024 को लेकर दिल्ली में लालू से मिले सीताराम येचुरी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक तरफ जहां नीतीश, तेजस्वी और केसीआर विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब लालू यादव भी इसमें जुट गए हैं। बता दें कि विपक्षी एकता को एकजुट करने को लेकर बीते दिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी पिछले दिनों सिंगापुर से लौटे लालू यादव से मिलने उनके दिल्ली आवास पहुंचे। इस दौरान लालू यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद रही। इन दोनों नेताओं के बीच घंटों बात हुई। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी बातचीत की। इसके साथ ही इन लोगों के बीच इस बात पर भी चर्चा की गई कि कैसे 2024 में मोदी सरकार को गद्दी से हटाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाया जाए। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे नारद संग्रहालय के बारे में। नारद संग्रहालय भारत के प्रमुख संग्रहालयों में से है। यह संग्रहालय बिहार के नवादा शहर में स्थित है। यह वर्ष 1973 ईस्वी में नवादा के प्रथम जिला अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह के प्रयासों से अस्तित्व में आया। इस संग्रहालय की इमारत 2 मंजिला है। इसके प्रथम तल में भारत के प्राचीन सिक्कों के विकास को प्रदर्शित किया गया है। भारत के प्रारंभिक सिक्का पंच मार्ग से लेकर मुगल कालीन सिक्कों के क्रमिक विकास को संग्रहालय में देखा जा सकता है। सोनसागढ़ से प्राप्त मौर्य कालीन हड्डी की कलाकृति, शुंगकालीन मृण मूर्तियां, मन के सिल एवं धातु निर्मित कलाकृतियों को संग्रहालय के दरगाह में प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त संग्रहालय में देवनगढ़ से प्राप्त मंजूश्री की प्रतिमा और धातु मूर्तियों में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां प्रदर्शित की गई है। मुगलकालीन तलवार, कटार, ढाल के साथ ही स्वर्गीय हीरालाल बवंजी के द्वारा पर्शियन कवि हाफिज के शेर को चित्र में उतारा गया है। विजय कुमार चौधरी ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर की ये मांग। बिहार के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान को लेकर अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान अगले 5 वर्षों तक जारी रखा जाए, क्योंकि अब तक राज्य में नई कर प्रणाली स्थिर एवं सुदृढ़ नहीं हुई है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था भी कोरोना के प्रभाव से अब तक पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राज्य स्तरीय माल एवं सेवा कर नया
न्यायाधिकरण में राज्य सरकार द्वारा मनोनय या अनुशंसा के आधार पर एक सदस्य रखने का प्रावधान भी बनाया जाए, जिससे न्यायाधिकरण और व्यवहारिक बनेगा और साथ ही राज्यों की समस्या पर गंभीरता से पहल हो सकेगी। रोजगार व पढ़ाई करने को मिलेगी विशेष किट। श्रम संसाधन विभाग की ओर से नए वित्तीय वर्ष में राज्य के कमजोर बच्चों के लिए नई योजना लाई जा रही है, जिसके तहत विभाग के द्वारा राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कमजोर वर्ग के बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार विशेष टूल किट उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही वैसे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे, उन्हें भी विभाग की ओर से विशेष स्टडी किट उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि विभागीय योजना के अनुसार यह किट उन्हीं छात्रों को उपलब्ध करवाई जाएगी जिसका नियोजनालय में निबंधन हो या निबंधन भी एक साल पहले का होना चाहिए। छात्रों को किट उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की ओर से एक कमेटी बनाई जाएगी जो यह निर्णय लेगा कि किस छात्र को कौन सी किट देनी चाहिए। फिलहाल विभाग के द्वारा इस योजना के लिए कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। बिहार में सर्द हवाओं का असर हुआ कम। प्रदेश में सर्द हवाओं का असर कम हो रहा है और वातावरण में गर्मी बढ़ रही है। राज्य के लगभग सभी जिलों में दिन का पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक बिहार में सोमवार से एक बार फिर स्थिति बदल सकती है। प्रदेश के कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाने की संभावना जताई गई है। हालांकि गर्मी का असर बना रहेगा और धीरे धीरे पारा ऊपर चढ़ेगा। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में बदलाव के आसार भी जताए गए हैं। मौसम वैज्ञानिक सौरभ कुमार के मुताबिक तापमान में बढ़ोतरी और पछुआ ठंडी हवाओं के कमजोर पड़ने की वजह से लोगों को दिन में गर्मी एहसास हो रहा है। हालांकि रात अभी भी ठंडी बनी हुई है। रात और तड़के भोर में ठंड का हल्का एहसास हो रहा है। भारत ने दुनिया में सबसे अधिक कैशलेस लेन देन का बनाया रिकॉर्ड। रायसीना सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट मेगा इवेंट में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा यह बताया गया है कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश बन गया है जो सबसे ज्यादा कैशलेस लेन देन करता है। भारत ने कैशलेस लेन देन में रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने कहा कि हमने लोगों को बैंक खाता खोलने को प्रोत्साहित किया। हमारी भारत सरकार ने जीरो बैलेंस पर भी खाते खुलवाए हैं। अगर आप मुझसे यह पूछते हैं कि आप कोविड से कैसे बचे, तो मैं इसका श्रेय सरकार की उन योजनाओं को दूंगा जो लोगों को आर्थिक रूप से समर्थन देने और उन तक भोजन पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। आज सामाजिक आर्थिक वितरण के लिए डिजिटल गवर्नेंस बुनियादी तंत्र बन गया है। भारत में परिवर्तनकारी शासन परिवर्तन के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। मजबूत डिजिटल बैकबोन कुशल और प्रभावी वितरण का मार्ग प्रशस्त करता है। बिहार में ऐसे सुधरेगा स्वास्थ्य ढांचा। बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में करीब 8000 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। इन पदों पर बहाली की जा सके, इसके लिए विभाग की ओर से अधिकांश रिक्तियां चिन्हित कर ली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिन 8000 पदों पर बहाली की जानी है, उन पदों का सृजन 2022 में किया गया था, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक पदों के अलावा सदर अस्पताल में ड्रेसर के पद शामिल है। मालूम हो कि बिहार में ऐसा नियम है कि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को अनिवार्य रूप से 3 वर्ष तक अपनी सेवाएं देनी होंगी और अब तक विभाग की ओर से 3 वर्षीय अनिवार्य सेवा के लिए 3900 पदों को सृजित किया गया है, जिसमें से 1330 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है और शेष बचे पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। विपक्षी नेताओं पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी का हमला। बिहार की राजधानी पटना के एसकेएम हॉल में 16 फरवरी से चल रहे भाकपा माले के राष्ट्रीय महाधिवेशन के अवसर पर बीते दिन महाधिवेशन के मंच से फांसीवादी हमले के खिलाफ लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए व्यापक विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जहां बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा विपक्षी नेताओं पर हमला किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अब आगे का कांग्रेस को फैसला करना है। हम तो उनकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इससे ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि बीजेपी के साथ रहते हुए आप पर कितना दाग लगा होगा, सभी को वॉशिंग मशीन के अंदर रखकर साफ कर दीजिएगा। आप लोग देश के संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार धक्का देंगे तो भी मैं उनके साथ ही रहूंगा। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी कोल्ड स्टोर का उद्घाटन करने के लिए जहानाबाद के मखदूमपुर बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं महागठबंधन के साथ ईमानदारी पूर्वक हूं और मुझे नीतीश कुमार पर पूरा विश्वास है। उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और इस दौरान मैं अपने कार्यकाल को ईमानदारी पूर्वक पूरा किया था। उन्होंने कहा कि मेरे 9 महीने के कार्यकाल में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार मुझे किसी तरह का कोई धक्का भी देते
हैं तो मैं उनके साथ ही रहूंगा। हालांकि पहले उन्होंने मुझे धक्का दे दिया है, उन्होंने मेरे बेटे से एक मंत्रालय ले लिया, लेकिन मैंने इस बात की भी किसी से शिकायत नहीं की और मुझे कोई अफसोस भी नहीं है कि मंत्रालय से क्यों हटाया गया। जब नीतीश कुमार ने कहा कि अगले चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव होंगे, मैं उस समय भी उनके साथ था। मैंने वादा किया है कि मैं नीतीश कुमार के साथ रहूंगा, इसलिए वह जिस पार्टी में जाएंगे मैं उनके साथ ही रहूंगा। निखिल आनंद, कांग्रेस नीतीश कुमार के लूट और मर्डर वाले बिहार मॉडल को देश भर में लेकर जाएगी। बिहार में राजनीति सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर जुबानी हमला कर यह कहा गया है कि क्या वह नीतीश कुमार के लूट और मर्डर वाले बिहार मॉडल को देश भर में लेकर जाएगी। दरअसल यह टिप्पणी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि नीतीश कुमार आज जो भी हैं वो बीजेपी के वजह से हैं। आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद उन्होंने घुटने टेक दिए थे, नीतीश को अपने कंधे पर बैठाकर जयकारा लगाया और उन्हें इस हैसियत तक बीजेपी ने पहुंचाया है। एनडीए सरकार के दौरान सीएम नीतीश द्वारा जो भी काम किए गए हैं वो सभी काम बीजेपी गठबंधन के हैं। सीएम नीतीश के प्रपोजल पर सलमान खुर्शीद का जवाब। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के एसकेएम हॉल में चल रहे भाकपा माले के राष्ट्रीय महाधिवेशन के अवसर पर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कांग्रेस को विपक्षी दलों को एक साथ करने की सलाह दी गई, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के इस बयान पर सलमान खुर्शीद के द्वारा उन्हें जवाब दिया गया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैं बस इतना कहूंगा कि आप जो चाह रहे हैं वही कांग्रेस भी चाह रही है, लेकिन प्यार में समस्या यह आती है कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी नेतृत्व पर कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसका फैसला बड़े बड़े नेता बैठकर ले लेंगे, लेकिन यहां एक बड़ी बात होती है, जब सभी साथ में बैठेंगे तो इस पर निर्णय कर लिया जाएगा। जेडीयू एमएलसी ने सुधाकर सिंह के जरिए लालू पर निकाली भड़ास। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा गया है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बात लिखी है। वहीं अब सुधाकर सिंह के चिट्ठी को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज सिंह के द्वारा पलटवार किया गया है और बिना नाम लिए जमकर लालू यादव पर भड़ास निकाली गई है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के 420 के आरोपी और किसानों के हक में जेल प्रवास करने वाले आरोपी किसानों के संबंध में प्रवचन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने कर्म के बल पर मुख्यमंत्री है, न कि पारिवारिक विरासत से उपजे हुए नेता हैं। जब आपकी पारिवारिक राजनीति थी उस दौरान लोग नहीं जानते थे कि खेती किस चिड़िया का नाम है, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकाल में कृषि के हर क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। आपने जो नीतीश कुमार से सवाल किया है उसका जवाब अब आपके क्षेत्र के प्रखंड अध्यक्ष भी दे सकते हैं। दूसरा दिन रहा ऑस्ट्रेलिया के नाम, लायन ने लिए 5 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय टीम 262 रन पर ही ऑल आउट हो गई, यानी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर 263 से एक रन पीछे ही रह गई। वो तो अक्षर पटेल और आर अश्विन ने 8वें विकेट के लिए बेहद जरूरी 114 रनों की साझेदारी कर दी, वरना भारतीय टीम पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से काफी पीछे रह जाती और हार का खतरा मंडराने लगता। अक्षर पटेल 74 रन बनाकर आउट हुए जबकि अश्विन ने 37 रनों की पारी खेली। इन दोनों के अलावा विराट कोहली 44 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन लायन ने सबसे अधिक 5 विकेट चटकाए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में एक विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। 1389 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की हत्या हुई। अमृत बाजार पत्रिका का 1891 में दैनिक प्रकाशन शुरू हुआ। भारत में 1986 में पहली बार कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण टिकट की शुरुआत हुई। 1630 में मराठा साम्राज्य के पहले शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जुन्नर में हुआ। 19 फरवरी 1900 को भारतीय राजनीतिज्ञ बलवंत राय महतो का जन्म हुआ। 1930 में दक्षिण भारतीय फिल्म निर्देशक के विश्वनाथ का जन्म हुआ। 19 फरवरी 1949 में वैज्ञानिक पी बलराम का जन्म हुआ। स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का निधन 1915 में हुआ। हिंदी के जाने माने प्रकाशक मुंशी नवल किशोर का निधन 1895 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध विद्वान समाजवादी विचारक शिक्षा शास्त्री और देशभक्त नरेंद्र देव का निधन 1956 में हुआ। फिल्म अभिनेता निर्मल पांडे का निधन 2010 में हुआ। आज के दिन को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के रूप में मनाया जाता है। वायरलखंड में आज हम बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक ट्वीट में दावा किया गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाने वाले हर एक अधिकारी को सजा दे दी गई है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये दावा फर्जी है, मामले में किसी अधिकारी को सजा नहीं हुई है। गूगल मैप से ऐसे देखिए किसी रूट पर कितना टोल लगेगा।
अब आप गूगल मैप्स की मदद से विश्व के लगभग हर कोने को देखने और उससे जुड़ी जानकारी हासिल करने के साथ साथ संभावित टोल टैक्स का भी पता लगा सकते हैं। गूगल मैप्स पर किसी एक टोल का रेट्स नहीं देखा जा सकता है। दरअसल गूगल मैप्स एक निश्चित दूरी के बीच में आने वाले अनुमानित टोल रेट्स के बारे में बताता है। अगर आप भी टोल टैक्स चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन में गूगल मैप्स को ओपन करें। इसके बाद जहां आपको जाना है उसकी डिटेल फिल करें। अब डायरेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर रूट और नीचे संभावित समय दिखाई देगा। संभावित समय वाली जगह को स्लाइड करके ऊपर करें। यहां आपको रूट पर लगने वाले टोल टैक्स की कीमत सबसे ऊपर नजर आ जाएगी। जेईई मेन अभ्यर्थियों को अब देना होगा एड्रेस प्रूफ। जेईई मेन अप्रेसिएशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस बार आवेदन के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा छात्रों को एड्रेस प्रूफ से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने को कहा गया है। यानी कि अब जेईई मेन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को आवेदन के दौरान अपने स्थानीय एवं स्थायी निवास के पते के संबंधित एड्रेस प्रूफ को स्कैन कर अपलोड करना होगा। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब जेईई मेन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों से एड्रेस प्रूफ मांगा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 मार्च रात 9 बजे तक निर्धारित की गई है। हालांकि आवेदन करने के दौरान छात्र इस बात का ध्यान रखें कि वे जनवरी जेईई मेन के आवेदन क्रमांक से ही आवेदन करें, और अगर वे न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आवेदन क्रमांक अलग हो जाएगा, जिससे अलग AIR आ सकती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि रंजन, राजकुमार ठाकुर, विपिन वर्मा, राजकुमार प्रसाद, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, मुटू रंगीला, पुष्पेंद्र राय, उमेश ऋषिदेव, वेद प्रकाश सिंह, महमूद अंसारी, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद जकीर हुसैन, असरफी मंडल, कमलेश शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार मौजूदा हालात को देखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव तक सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो पाएंगी या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।